अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASJ न्यूज़। मजलिसी रुकने असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म ख़ान के हमरा इस हलके के जुमला 6 मजलिसी उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियों का अदखाल। बहादुरपुरा हलके असम्बली के वर्कर्स में पर्चे नामजदगियों के साथ ही इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज। इस सिलसिले में यहाँ के वर्कर्स में जो शोक़रोश देखा गया। इंतखाबी मुहिम में कल से तेज़ी, 21 नवंबर को नामजदगियों की तनक्की होगी। मजलिसी बहादुरपुरा हलके के तमाम अराकीन बल्दिया भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। मीडिया से बात करते हुए रुकने असम्बली मोहम्मद मौज़म ख़ान ने ये बात कही। मोहम्मद ज़ीशान की ये रिपोर्ट। मुस्लिमीन के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 डिवीज़न जो है, फलकनुमा डिवीज़न, नवाब साहब कुंडा डिवीज़न, जहानुमा डिवीज़न, दूधगोली डिवीज़न, रमनासपुरा डिवीज़न, किशनबाग डिवीज़न के जो मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट्स थे, आज सारे कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन दाखिल करे। इस मौके के ऊपर मेरे संगात हमारे सीनियर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब एम ए गफ्फार साहब और पार्टी के सुदूर मोतमदीन व सदरा मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार भी आवाम के दरमियान में जब जाएगी अपने उम्मीदवारों को ले लेकर डेवलपमेंट के ऊपर जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, MLAs, कॉरपोरेटर, वर्कर्स साल के 12 महीने हमेशा आवाम के दरमियान में रहते हैं, आवाम के साथ रहते हैं, उस एरियों का डेवलपमेंट चाहते हैं, उस एरिया को डेवलप कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के लिए आवाज़ उठाई है। गवर्नमेंट के जो गलत पॉलिसीज़ रहते हैं, हमेशा तायद करने की जगह गवर्नमेंट को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तायद की है। जहाँ मुखालिफत करना चाहिए वहाँ पर खुलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को, उस गवर्नमेंट के प्रोग्रामों को मुखालिफत किए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है और इंशाअल्लाह ताला 6 के 6 उम्मीदवार बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। और हमें उम्मीद है अवाम पर इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तायद में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और भरपूर निकलकर अपने अपने घरों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे।